इसराइल में आपको कौन सा चीज़ों का जो है सामना करना पड़ेगा, जितना दिन आप इसराइल में रहेंगे वो आपका काम आने वाला है। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस ब्लॉग में दूंगा आपको बहुत हेल्प होगा ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। जो आपको इसराइल में चाहिए ही चाहिए तो कोशिश करना फ्राइडे और सैटरडे ना आए, कार्ड बनाने के बाद उसको एक्टिवेट कर लेना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए मैं आ गया हूँ इसराइल से एक और नया ब्लॉग लेके। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग एकदम मस्त हो, हम लोग भी यहाँ पे अच्छे से है, सेफ है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट ब्लॉग में वादा किया था कि इंडिया से आने के बाद इसराइल में अगर आ रहे हो तो इसराइल में आपको कौन सा चीज़ों का जो है सामना करना पड़ेगा, कौन सा चीज़ें आपको जो है लेना चाहिए इसराइल आने के बाद आपको सेटल होने तक। बहुत सारे चीज़ें आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस ब्लॉग में दूंगा आपको बहुत हेल्प होगा ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। तो आप लोग एक एक करके देखते जाइए, मैं एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करूंगा। तो आप लोग देखिए, ब्लॉग को स्किप मत कीजिए, पूरा ब्लॉग देखिए, आपको लॉस नहीं होगा। और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ब्लॉग को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग इसराइल में पहुँचेंगे एयरपोर्ट में, इसराइल का एयरपोर्ट का नाम है बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो उधर पासपोर्ट कंट्रोल में और इमिग्रेशन में जब आपका हो जाएगा तो उस टाइम जब पासपोर्ट आप जो है यहाँ पे मशीन है जहाँ पे आपको आपका पासपोर्ट देके स्कैन करना पड़ता है। तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपको एक ब्लू पास मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको संभाल के रहना। इमिग्रेशन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे होते हैं इमिग्रेशन, इसके बारे में मैं नेक्स्ट एक ब्लॉग में बात करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना याद रखिए कि वो जो ब्लू पास आपको मिलेगा वो आप बहुत संभाल के रहिए, जितना दिन आप इसराइल में रहेंगे वो आपका काम आने वाला। फ्रेंड्स, ब्लू पास संभाल के रहने के बाद अपना बैग कलेक्ट कीजिए। बैग कलेक्ट करने के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम होगा वो है, अगर आप डॉलर लेके आए हो तो जो है एयरपोर्ट में जो है कुछ डॉलर चेंज करके आप इजरायली सेकेल ले लीजिए, जो कि इसराइल का करेंसी है। अगर आप सेकेल इंडिया से लेके आए हो तब तो ठीक है, वरना आपको एयरपोर्ट में मिल जाएगा, आप एयरपोर्ट से सेकेल्स लीजिए। इनिशियली 500 सेकेल लीजिए, दैट विल बी मोर देन सफिशियंट। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट आइटम जो कि है इजरायली सिम कार्ड। क्योंकि इंडिया से जो सिम आप लाओगे इधर आप रोमिंग पे चलेगा तो पूरा जो है डायरेक्टली फ़ोन कॉल करने के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ आप इसराइल में आ रहे हो तो आपको इजरायली सिम कार्ड जो है मस्ट है, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको बैंक अकाउंट खोलना है तो आपको ज़रूर चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप एज ए वर्कर आ रहे हो तो कभी कभी वर्कर को क्या है, जो एजेंसी के थ्रू आप जो कंपनी के लिए आप आ रहे हो तो वो लोग आपको जो है सिम कार्ड प्रोवाइड करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप बेन गुरियन एयरपोर्ट में आपको मिल जाएगा, आप एक सिम कार्ड ले लीजिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो उधर ना लेके भी आप आ सकते हो, जब अपार्टमेंट के पास आओगे तो उधर भी बहुत सारे स्टोर्स रहते हैं, उधर आप ऑर्डर कर सकते हो, डायरेक्टली जाके आप ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन सा सिम ले। इसराइल में बहुत सारे सिम चलते हैं, जैसे कि पेलेफोन चलते हैं, यहाँ पे गोलान चलते हैं। तो सबसे अगर किसी को भी पूछोगे और मेरा एक्सपीरियंस भी अगर पूछोगे तो गोलान है बेस्ट। गोलान का पैक्स भी अच्छा है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेट मिलता है, आप अच्छे से यूज़ करना, तो गोलान सिम ले लीजिए। गोलान ही मैं रिकमेंड करूँगा, मैं खुद गोलान यूज़ करता हूँ तो गोलान सबसे बेस्ट होगा। दोस्तों, इजरायली करेंसी और सिम कार्ड कलेक्ट करने के बाद आपको जो लेना है आपका अपार्टमेंट जाने के लिए वो है आइदर टैक्सी और बस और ट्रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्सी का। टैक्सी के लिए यहाँ पे जो है जो किराए का टैक्सी आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप एक ऐप डाउनलोड करके लाना पहले से ही, उसके बारे में मैं नेक्स्ट बताऊँगा। तो जो टैक्सी आपको लेना है वो है, दो टैक्सी यहाँ पर जो फेमस है, एक है यांगो और सबसे जो फेमस है वो है गेट GETT। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। टैक्सी के लिए डिपेंड करता है कि कितना प्राइस लगेगा, वो आप कहाँ जा रहे हो वहाँ से। तो बेन गुरियन एयरपोर्ट से आपको 24/7 जो है टैक्सी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं बस। बस हमेशा अवेलेबल है यहाँ पे, सिर्फ जो है फ्राइडे आफ्टरनून से लेके सैटरडे पूरे दिन तक, ये टाइम आपको जो है कोई बस कोई ट्रेन नहीं मिलने वाला है इसराइल में। तो ये चीज़ जो है ध्यान में रखना, तो आप अपना जो है ट्रैवल इस हिसाब से प्लान करना कि ताकि आप जो है किसी वर्किंग डे में आए, फ्राइडे आफ्टरनून से लेके सैटरडे पूरा दिन आपको कोई ट्रेन कोई बस नहीं मिलेगा। बस के लिए और ट्रेन के लिए बाद में आपको जो है कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके लिए मैं अभी बाद में बात करूँगा। आप जो है टिकट खरीद सकते हो बस स्टेशन से,
और जो टिकट भी खरीद सकते हो प्लेटफॉर्म से, ट्रेन ट्रेन के लिए जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे आप टिकट खरीद सकते हो। इसके लिए आप जो है सेकल्स जो ना आपने ऑलरेडी ले लिया तो वो दे देना, बस कैसे यूज़ करे ना करे इसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है, ट्रेन कैसे यूज़ करे इसके बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो मेरे जो है अलग अलग वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हो, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज़ करना है वो है आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक अकाउंट के लिए मैंने जो लास्ट ब्लॉग में बोला था कि आपको पैन कार्ड चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर मानते हैं TIN नंबर, तो उसके लिए आप अपना पैन कार्ड दीजिए तो उसमें काम चल जाएगा। बैंक अकाउंट जब आप ओपन करेंगे तो उसके साथ साथ आप बोलना कि आपको जो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दे दे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वाला, और आपका जो है लिमिट जो है 3000 इनिशियली देते हैं 3000 सेकल, तो आप रिक्वेस्ट करना कि मुझे जो है 5000 सेकल का लिमिट दीजिए, तो वो लोग जो है एक कर देते हैं। दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन, जब आप लोग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए जाएंगे तो आप अपना पासपोर्ट साथ में ज़रूर लेते जाना, क्योंकि वो लोग पासपोर्ट यूज़ करते हैं। जाहिर सी बात ये आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कार्ड के बारे में जो आपको इसराइल में चाहिए ही चाहिए, वो है रावकाव कार्ड। रावकाव कार्ड क्या है कि आपको, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आपको बस यूज़ करना है, ट्रेन यूज़ करना है कि इसराइल में इधर उधर जाने के लिए, तो आपको जो कार्ड है वो राव कार्ड यूज़ करना है। तो राव कार्ड जो है आप जिस इलाका में रहते हो, जो वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन है उधर आप जाइए, कभी कभी कुछ मॉल में भी मिल जाता है राव कार्ड, तो वह हमें टाइम टू टाइम आप रिचार्ज करते रहिए, आप यूज़ करते रहिए। बस के लिए और ट्रेन के लिए सेम कार्ड है राव कार्ड, तो ये एक एसेंशियल्स आइटम है जो इसराइल में आके ही दो चार दिन में आप ये बनवा लेना। अगर आप स्टूडेंट हो तो जब राव कार्ड आप बनाने के लिए जाएंगे तो आप अपना पासपोर्ट के साथ साथ जो आपका ऑफ़र लेटर है और इंस्टीट्यूशन से एक सर्टिफिकेट बोलना कि मुझे राव कार्ड बनाना है, तो जब वो सर्टिफिकेट आप लेके जाएंगे तभी आपका जो है स्टूडेंट राव कार्ड बनेगा। और स्टूडेंट राव कार्ड का फ़ायदा क्या है कि जब आप 100 सेकल रिचार्ज करेंगे तो आपको 150 सेकल मिलेगा, तो ये फ़ायदा है। ये सिर्फ स्पेसिफिकली स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, तो उनके लिए ये फैसिलिटी ज़रूर आप अवेल करना। फ्रेंड्स अब बात करते हैं और एक इम्पॉर्टेंट कार्ड के बारे में जो है इजरायली हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो बनवा के लाया, इधर आने के बाद आप जो है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड कलेक्ट कर लेना। हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड आप कलेक्ट करने के बाद आपका जो नियरेस्ट जो है हेल्थ सेंटर है उसके लिए दो, मुझे पता नहीं कि आपका कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस है, दो नॉर्मली होता है, एक है क्लालिट और होते हैं मकाबी। क्लालिट मतलब हरेल और मकाबी, तो ये दोनों फेमस है। जो भी आपका है आप जो है किसी जो है क्लिनिक पे जाना और आपका कार्ड बनाने के बाद उसको एक्टिवेट कर लेना ताकि आप ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन यूज़ करने में क्या फ़ायदा होगा आपका, आप डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर ने किसी टेस्ट करने के लिए बोला तो वो टेस्ट का रिपोर्ट जब हो जाएगा तब आप ऑनलाइन देख सकते हो। आप अपना डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, किसी भी रिपोर्ट देखिए, तो सारे चीज़ें आपको ये ऑनलाइन करने के लिए मिलेगा। जब आप ये ऑनलाइन जो बेनिफिट जो है उसको एक्टिवेट कर लेंगे तब, और मतलब कार्ड जो है वो हमेशा आपको जो है काम में आएगा। ये मेडिकल फैसिलिटी कैसे यूज़ करते हैं, सारे चीज़ें जो है कैसे अपॉइंटमेंट लेते हैं बुक करते हैं, इसके बारे में भी एक वीडियो में नेक्स्ट बनाऊँगा, तो चैनल पर जुड़े रहिए देखते रहिए। चलिए दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जो कि आप जब इसराइल आ रहे हो तो आपको कुछ ऐप्स जो है मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करना है, ये ध्यान में रखें। तो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ कि कौन सा मोबाइल ऐप जो है यूज़ करना है, तो आप लिस्ट कर लीजिए। सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंट फ़ोन ऐप है वो है नेविगेशन ऐप, गूगल तो आपको पता ही है। साथों साथ में जो है वेज, वेज ऐप जब इसराइल में एक जगह से दूसरा जगह जाओगे नेविगेशन के लिए आपको ये ऐप यूज़ होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, आपको बहुत हेल्प होने वाला है। दूसरा जो ऐप आपको करना है वो है फूड ऑर्डर ऐप, अगर आप कुछ फूड ऑर्डर देना चाहते हो तो इसके लिए जो है वोल्ट और एक है कैवियर, ये दोनों ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए आपको फूड ऑर्डर करने के लिए, ये बहुत हेल्प होने वाला है। तीसरा जो है मूवीट ऐप, ये डाउनलोड कर लीजिए। आप इसराइल में रहने के टाइम पे एक जगह से दूसरा जगह जब जा रहे हो, किसी भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो बस और ट्रेन, तो मूवीट ऐप से आप देख सकते हो कि एक जगह से दूसरा जगह जाने में कब ट्रेन है, कब बस है, कितना टाइम लगेगा, सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया कि अगर आप टैक्सी यूज़ करना चाहते हो
तो यांगो या तो गेट ऐप, गेट ऐप सबसे अच्छा है, ये भी आप डाउनलोड करके रखिए, ये आपको बहुत हेल्प आने वाला है। जब आप इसराइल आए हो, आप सेटल हो जाओगे, तो उसके बाद जब पैसा कमाओगे तो आपको इंडिया पैसा अगर भेजना है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मनी ट्रांसफरिंग ऐप। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो जो इम्पोर्टेंट ऐप्स है वो है, एक है नीमा, तो नीमा आप यूज़ कर सकते हो, दूसरा है रीवायर, ये यूज़ कर सकते हो, तीसरा है GMT। तो इसमें से जो सबसे फेमस है और जिसमें रेट सबसे अच्छा होता है वो है नीमा ऐप। नीमा ऐप बहुत अच्छा है, मैं पर्सनली नीमा ऐप यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग नीमा ही यूज़ करते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नीमा यूज़ कीजिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, जो एक्सपीरियंस मुझे है इसके हिसाब से नीमा सबसे अच्छा है, तो आप लोग नीमा यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आपका एक्सपीरियंस क्या है कौन सा ऐप में। उसके बाद तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप इसराइल आ रहे हो तो कोशिश करना फ्राइडे और सैटरडे ना आए, क्योंकि ये दो दिन सवात का टाइम है, तो फ्राइडे आफ्टरनून से लेके सैटरडे पूरा दिन तक कोई ट्रेन कोई बस नहीं मिलेगा, हालांकि आपको टैक्सी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अवॉइड करना बेहतर है, ये मैं आपको टिप पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ। दोस्तों मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, क्योंकि जब हम इसराइल आए थे शुरू में तो कुछ भी नहीं पता था, तो बहुत सारे चीज़ों के लिए जो है बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अगर ये वीडियो देख के किसी और को हेल्प हो जाए और उनका आने रहना का जो इसराइल में जो सपना है वो अगर स्मूथली हो जाए तो इससे बेहतर क्या हो सकते हैं। अगर दोस्तों आपका कुछ सजेशन है, अगर आपको और भी कुछ ऐड करना है इस लिस्ट में, तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा चीज़ मैंने जो है मिस कर गया जो कि ऐड करना है। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही, फिर एक ब्लॉग लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसराइल के बारे में देता रहूँगा जो आपको हेल्पफुल होगा इसराइल आने के बाद इसराइल में रहने के लिए। चलिए आप इसराइल आ गए तो इसराइल का जो है ब्यूटीफुल वेदर, नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कीजिए, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि किसी और जब बंदा इसराइल आए तो उसको भी हेल्प हो जाए। दोस्तों अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।